आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक तो ये है कि अडल्ट वर्सेस चाइल्ड जो है, चाइल्ड वर्सेस अडल्ट जो है वो टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में पहले कौन से ट्रेंड्स चलते थे और अभी जो है करंट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है, इसमें इस टॉपिक पर अगर बोलें तो फिर इसमें ये है कि पहले क्या होता था कि पहले जो नर्सिंग होता था वो पूरा सेंटर होता था डिजीज़ के ऊपर कि जो चाइल्ड पेशेंट है उसका डिजीज़ को ठीक करना है। लेकिन अभी जो है, अभी जो ट्रेंड जो है, जो हम तब था, तब जो सोच था, तब जो चलता आ रहा था, अभी क्या चेंज आया है, अभी ये चेंज आया है कि हम डिजीज़ के ऊपर नहीं, हम चाइल्ड के ऊपर जो है पूरा पूरा सेंटर ऑफ फोकस जो है वो चाइल्ड के ऊपर करेंगे, ना कि डिजीज़ के ऊपर। अगर चाइल्ड के ऊपर अगर हम करते हैं तो फिर सेंटर ऑफ फोकस, तो फिर डिजीज़ तो ठीक हो ही जाएगा, साथ ही क्या है, मेंटली क्या है, मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली जो है उनको अच्छे से रिवाइव करवाना। तो दूसरा ये है कि पहले पीडियाट्रिक नर्सिंग में पहले का ये ट्रेंड चलता आता था कि जब डिलीवरी के टाइम हो गया, प्रेग्नेंट वीमेंस जो है ओनली डिलीवरी के टाइम हो गया, या फिर जब चेकअप्स वगैरह करवाने आते हैं, अगर दे हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह, तब भी हम लोग क्या है उसको असेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओनली डिलीवरी के टाइम के क्या है उस टाइम अच्छे से केयर करेंगे। बट नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि आजकल जो है, आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का ट्रेंड ये है कि कंसेप्शन जब हो जाता है, जब कंसेप्शन हो जाता है तब से लेके जब से पता लगता है कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिजल्ट है, तब से लेके चाइल्ड बर्थ के बाद तक, मतलब पोस्ट नेटल जो बोलते हैं उस तब तक का पूरा केयर जो है तब तक लेते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें डिलीवरी के टाइम लेंगे या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर ही लेंगे, नहीं, या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं उस टाइम लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेना है तो फिर कैसे लेते हैं, फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू द डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। तो ये जो है, ये अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो है। और दूसरा ये था कि पहले क्या होता था कि फीमेल जो होती थी, जो घर वालों की तरफ से फीमेल जो बच्चे वाले जो पेशेंट्स होते हैं, चाइल्ड पेशेंट जो होते हैं फीमेल वाले, तो उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, नेगलिजेंसी जो बोलते हैं कि फैमिली की तरफ से हमेशा देखने को मिलता है। तो वो चीज़ जो है अभी क्या है, उस चीज़ को चेंज किया गया है कि फीमेल हो या मेल हो, वी हैव टू ट्रीट इक्वली। फैमिली की तरफ से अगर कोई नेगलिजेंसी है तो आजकल बहुत सारे ऐसे राइट्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के राइट के लिए, उनके हक के लिए, अगर कोई भी ऐसा नेगलिजेंसी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज़ पर लॉ जो है हम लोग अगर कंप्लेन करते हैं, एज हम लोग अगर कोई भी अब्यूज़ हो रखा है जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड, तो उस चीज़ के लिए अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा रूल्स जो है बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रिक्ट हो गया। तो वो चीज़ जो है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एज अ नर्स अगर हमें पता है कि अगर कोई भी पेशेंट एडमिट हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अब्यूज़ वाले पेशेंट है या फिर कोई नॉर्मल इंजरी है या फिर अब्यूज़ वाला इंजरी है, तो हम उसको देख के बोल सकते हैं एंड उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले बस उनको बता नॉर्मली उनको नहीं बताया जाता था कि हेल्थ में, हेल्थ को सही रखने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो नहीं बताया जाता था कि नॉर्मल अगर कोई बीमार होकर आया है तो वो ट्रीटमेंट लेते थे, चले जाते थे, उसके बाद प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स उनको पता ही नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि उनको बीमारी, ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो तभी हॉस्पिटल आए या फिर बीमारी हो तभी हम लोग उनको असेस करें, बीमारी से पहले ही प्रिवेंशन जो बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो उनको बताते हैं कि टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन लेना है, इम्यूनाइजेशन आप आजकल क्या कार्ड बना के दे देते हैं कि कार्ड में उसमें टाइमिंग्स लिखा हुआ है कौन से महीने में कौन सा इम्यूनाइजेशन लगना है। और आजकल ये भी है कि जो भी हम लगाते हैं, इंजेक्शन हो गए, इम्यूनाइजेशन हो गया, उसके हम लोग एक्शंस बताते हैं, उसका एक्शन क्या है क्या नहीं, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी गो इन डिटेल। उसके बाद क्या है, बहुत बारीक तरीके से उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा जो चीज़ें जो है प्रोसीजर्स वगैरह हो गया। और पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ट्रेंड में कि ओल्ड वर्सेस न्यू जो है, इसमें चेंजिंग ट्रेंड्स में मैं बता रही हूँ, तो ओल्ड में क्या होता था कि
पेशेंट और जो पेरेंट्स जो होता है, पेरेंट्स बच्चे जो होते हैं जब उनकी ट्रीटमेंट होती है तो पेरेंट्स जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको हम लोग बाहर रख देते हैं क्यों नहीं आना है अंदर, एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है कि पूरा सेंटर ऑफ फोकस किस में है कि जब बच्चे का जब ट्रीटमेंट हो रहा होगा तब साथ में क्या फैमिली मेम्बर या गार्जियन या फिर पेरेंट्स जो है वो होना उनका बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या है बच्चा जो है वो थोड़ा ईज़ में फील हो और कोऑपरेट अच्छे से कर पाए ताकि उनका रिकवरी जल्दी अच्छे से हो। और उसके बाद बहुत सारे ऐसा है कि उनको प्रिवेंशन जैसे कोई बीमारी है कि उसको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और फिर प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं उनको बताना बहुत उनको एजुकेट करना कि कौन कौन से टैबलेट्स जो है, जैसे आयरन टैबलेट्स हो गया, फॉलिक एसिड टैबलेट्स हो गया, उनको कब कब कौन कौन से महीने में लेना है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, जहाँ से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो BPL वाले पेशेंट्स होते हैं उनके कौन कौन से कार्ड्स बने हैं, कौन कौन से फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें जो है वो आज के ज़माने में ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो नेक्स्ट हम करते हैं अडल्ट वर्सेस चाइल्ड। अडल्ट वर्सेस चाइल्ड में ये 9 जो पॉइंट्स है, ये 9 पॉइंट्स जो है ये डिवाइडेड है चाइल्ड वर्सेस अडल्ट। चाइल्ड वर्सेस अडल्ट में अगर आप चाइल्ड के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद इन्फेंट के बाद आता है न्यूनेट्स किसको बोलते हैं, इन्फेंट्स किसको बोलते हैं, टॉडलर किसको बोलते हैं, प्री स्कूलर और स्कूलर। तो फिर क्या होता है, तो न्यूनेट से पहले क्या है कि वन वर्ड कम्स एज न्यू बॉर्न। तो ये चीज़ें जो है समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टर्म्स जो है कब कब यूज़ होता है। तो न्यू बॉर्न जो है जैसे ओनली 1 वीक हुआ है, 1 to 7 days वाले, जैसे 1 to 7 days वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न। बस 7 दिन हो रखा है तो न्यू बॉर्न, 7 दिन से लेके 7 to 28 days अगर बच्चा जो है पैदा हुआ 7 to 28 days हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनेट्स बोलेंगे। इन्फेंट क्या होता है कि अंडर जैसे 28 days to 1 year, तो 28 days से लेके 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर वाले उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट्स बोलेंगे। टॉडलर किसको बोलेंगे, 2 से 3 साल, और प्री स्कूल हमें पता है कि 3 से 4 साल, और स्कूलर जो है 4 साल के बाद तो सारे बच्चे स्कूल जाने शुरू कर देते हैं, उसके बाद आता है कि ये जो भी टीनेज हो गया, अडल्ट वगैरह हो गया। तो ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप्स, सो फर्स्ट इज़ न्यू बॉर्न, न्यूनेट्स, इन्फेंट्स, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, अडल्ट वर्सेस चाइल्ड है। तो फिर इसमें क्या है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसा होगा, जैसा जैसा एज जो है, जैसे अभी न्यू बॉर्न हुआ, जैसे पैदा होते हैं 2.5 किलो जो है दिस इज़ द मिनिमम जो है एवरेज का वेट होना चाहिए अगर बच्चा जो हेल्दी, हम कब बोलते हैं जब 2.5 किलो के होते हैं। तो फिर क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों का जो है क्या है, जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे उनका हाइट के हिसाब से उनका वेट भी बढ़ता रहता है। और बड़ों में क्या होता है कि ऑलरेडी क्या है अडल्ट जो है 18, 19, 20 वाला जो एज होता है उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हाइट का या फिर हाइट जो है उसका क्या है वहाँ पे रुक जाती है। तो एक एवरेज उनका हाइट जो है एक फिक्स्ड हाइट रहता है। वेट में क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है, बट हाइट जो है वो फिक्स रहता है, इट कान बी डिक्रीज, इट कान बी इंक्रीज। तो इसमें ये फिजिकल डेवलपमेंट में ये है कि बच्चों का हाइट जो है डे टू डे जो है बढ़ता रहता है, और उसके साथ साथ उनका वेट भी बढ़ता रहता है, बट अडल्ट का क्या होता है कि उनका वहाँ पे एक तरीके से फिक्स रहता है। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है उसमें कैसा होता है कि बच्चे जो होती है उनका सोशल डेवलपमेंट जो होता है, जैसे उनका ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट होता है, एक मिसट्रस्ट होता है। छोटे छोटे बच्चे जो है सबसे पहले तो वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही क्या होता है उनको ट्रस्ट होती है कि हाँ ट्रस्ट करते हैं, और जो अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनको मिसट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, इंसिडेंट्स वगैरह अगर कोई हो गया, पहले ट्रस्ट कर लिया लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया जिसके वजह से ट्रस्ट जो है वो मिसट्रस्ट में बदल गया।
उसी जगह पर अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में हमें पता होता है कि किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं ट्रस्ट करना है, वी हैव हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है हमें पता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ ट्रस्टफुल दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टफुल। तो बचपन में क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर जो है वो चलता रहता है, बड़े होने के बाद भी चलती रहती है, बट क्या होता है कि बट बड़े जब हो जाते हैं तब वी नो कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। ओके, नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में कुछ फेजेस आती है, ओरल, एनल, लेटेंसी, सॉरी फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये कुछ स्टेजेस जो है वो क्या होता है कि बच्चों में आती है ये। तो ओरल स्टेज कब होता है, जब जैसे ये हो गया न्यूनेट्स वगैरह हो गया, न्यूबॉर्न वगैरह होगा, ओरल स्टेज में क्या है उनका कोई भी टॉयस हो गया या फिर उनके हाथ में कुछ ही पकड़ा दो, उनके हाथ ही सही, तो वो क्या करता है सब कुछ क्या वो लोग ओरली मुंह में ले लेते हैं। तो फिर इसलिए क्या कहते हैं कुछ भी सामान दे दो, टॉय दे दो या फिर कोई भी सामान दे दो, जैसे टॉयस हो गया या फिर टॉयस हो गया या फिर उनका हाथ ही हो गया, अपने पैरों को क्या करते हैं वो लोग सब कुछ जो है अपने मुंह के चबाने लग जाते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं। सो दैट इज़ द ओरल फेस। एनल फेस में क्या होता है कि इसमें इस टाइम क्या होता है कि वो उनका स्टूल कैसे पास करना है, बाथरूम में पास करना है, कौन सी जगह पे पास करना है, वी कैन पास इन द कहीं भी क्या है कि स्टूल पास करने के लिए स्पेसिफिक एरिया होता है, तो उनको जो बोलते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो होता है उनका ये करवाते हैं। तो एनएल वाला जो फेज़ है वो लोग कब होगा, इन्फेंट्स जब हो जाते हैं, इन्फेंट्स के बाद इन्फेंट टॉडलर जो टाइम होता है इस टाइम करते हैं। फेलिक स्टेज में क्या होता है, फेलिक स्टेज में जैसे है कि ये जो रिप्रोडक्टिव जितने ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करते हैं उनका एक अलग सा होता है कि टच करना, जैसे मम्मी का वो क्या होता है कि अगर जब ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होता है कि 2 से 3 साल या चार पाँच साल तक क्या होता है कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो फिर उनका ऐसा कहे कि टच करना, तो जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसको टच करना, तो वो इसमें आता है फेलिक स्टेज में। लेटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी में ऐसा होता है कि वो लोग ऐसे होते हैं कि डॉर्मेंट रहते हैं कि जो सेक्सुअल ड्राइव होता है वो जो है वो डॉर्मेंट रहता है, बट क्या है कि वहाँ पे वो लोग एक रिलेशन ऑपोजिट सेक्स जो होती है उनके साथ रिलेशन बनाने का उनका दिमाग में ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर हो गया या फिर जो है एक किसी के बीच में जब रहते हैं फ्रेंड सर्कल्स के बीच में रहते हैं तो फिर क्या होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से एक रिलेशन जो है वो डेवलप करने के लिए उनका अंदर होता है कि हाँ ऑपोजिट सेक्स के साथ उनका एक रिलेशन बनाना है, तो वो सारा क्या आता है लेटेंसी में आता है। उसके बाद जेनिटल वाला जो है जेनिटल फेस जो उसमें क्या होता है, जेनिटल फेस में ये होता है कि इस स्टेज में आने के बाद पर्सन जो है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ क्या करते हैं मैरिज जो है करने का उनका होता है कि हाँ वी वॉन्ट टू गेट मैरिड, वी वॉन्ट टू बिगिन आवर फैमिली, एक फैमिली स्टार्ट करना है, तो ये सारे जो चीज़ें जो है डेट में जाना है, तो ये सारे जो चीज़ें जो है रिलेशन बढ़ाना है रिलेशन बनाना है, तो ये सारा जो चीज़ें जो है वो जेनिटल में आता है। तो ये कुछ स्टेजेस जो है, तो कुछ ये स्टेजेस जो है ये ओरल, एनल, फेलिक और लेटेंसी जो है ये चाइल्ड में आ जाता है और जेनिटल वगैरह जो है वो अडल्ट स्टेज में आ जाता है। तो ये हो गया साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और आगे जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ये जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका मेंटल सब्जेक्ट जो है साइकेट्रिक नर्सिंग जो है सब्जेक्ट है उसमें ये यूनिट है उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बस एज ब्रीफली मैं ऐसे बता दिया कि स्टेजेस क्या होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या है कि बचपन में ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू वाले भगवान को पूजेंगे या फिर हम क्रिश्चियन या मुस्लिम हैं तो वही वाला भगवान जो उनको पूजेंगे, ऐसा नहीं है। उनके लिए सब कुछ कुछ भी है, कुछ है भी नहीं भी है, तो उनको कुछ ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम ऐसे करेंगे, तो बचपन में ऐसा है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या उनको पता होता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उनको पता होता है कि हाँ हम किस चीज़ को हम मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसको भगवान को नहीं मानते, कुछ होते हैं मानते, अगर मानते तो बहुत सारा अलग अलग धर्म के अलग अलग जो भगवान हैं तो उनको मानते हैं। तो ये सब कुछ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो बचपन में क्या होता है। बचपन में ऐसा नहीं है कि अभी हमें मानना ही मानना है, हमारे धर्म में ऐसा होता है वैसा होता है, ये वो मुझे इस चीज़ को फॉलो करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, दे नो थिंग्स दे फॉलो थिंग्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, बचपन में क्या होता है कि लैंग्वेज उनका क्या होता है, जब एकदम छोटे होते हैं
सामने जो भी कोई बोल रहा होता है कि उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है या फिर नए नए वर्ड्स जो है एवरीडे सीखने की कोशिश करती है। लेकिन एडल्ट में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में एडल्ट में क्या होता है, पीयर प्रेशर की वजह से स्लैंग वर्ड्स जो है वो सीखते हैं, तो वो स्लैंग वर्ड्स जो है वैसे नहीं सीखना चाहिए। बट बड़े होने के बाद क्या है, पीयर प्रेशर में हो गया या फिर एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह एनवायरनमेंट में बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर स्लैंग वर्ड्स जो है वो सीखते हैं। तो एडल्ट में क्या होता है कि उनका जो भी लैंग्वेज जो होता है तो उनका सोच जो है वो उसी को हम वो बोलते हैं, ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बचपन में क्या है कुछ भी बच्चे बोलते हैं मीनिंगफुल हो या ना हो। उसके बाद एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि ये जो थिंकिंग एबिलिटी जो है, जो उसका मेंटल एबिलिटी जो है उसका डेवलपमेंट, तो बचपन में क्या होता है कि बच्चे जो है वो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। अडल्ट में डे ड्रीमिंग जो है वो नहीं करते हैं। बचपन में क्या होता है कि उनको बस इतना है कि खाना पीना खेलना कूदना जो है उतने में रहता है। और इसके बाद क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बचपन में क्या होता है कि इतना जो है सीरियस मैटर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर इतना नहीं सोचते कि बाद में क्या करना, अगर मैंने अभी ये जो किया है उसके बाद के आउटकम्स जो है वो क्या है, ऐसा कुछ भी वो लोग नहीं सोचते। इसमें ये है कि वो लोग बहुत इरेशनल जैसे चीज़ें जो होती है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, वैसे चीज़ें जो है उनका थिंकिंग जो है माइंड जो है वैसा चलता है। बट एज एन एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है कि वो ट्रायल एंड एरर जो है वो चलता रहता है, उनको पता होता है क्या सही है क्या नहीं गलत है, और कुछ कर भी रहते हैं उनको खुद पता होता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ या फिर हाँ मैं गलत कर रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कैसा चलता है, लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल है वो ट्रायल एंड एरर में चलता रहता है। लेकिन बचपन में क्या होता है, लाइफ साइकिल जो होती है वो ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद क्या है कुछ अगर ऐसे इंसिडेंट हो गया तो फिर मिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक ये जो लोग से क्या है कि बिछड़ना शुरू हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है, लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं अगर कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो रखा है तो। लेकिन क्या है कि अगर लाइफ साइकिल जो है जब बड़े हो जाते हैं तो फिर कोशिश करते हैं सोसाइटी के साथ मिंगल हो और फ्रेंड ग्रुप बनाए, फ्रेंड्स के साथ जो है और रिलेशंस बनाए यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स। तो ये जो चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल में आता है। प्ले में क्या है, बचपन में खेल कूदते हैं नॉर्मली, जैसे बच्चे जो खेल कूदते हैं जैसे हाइड एंड सिक्स वगैरह हो गया, पकड़म पकड़ाई जैसे खेलते रहते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो चीज़ें जो होती हैं वो खेलते हैं। बट जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ों का खेल जो है वो अलग होता है, माइंड गेम्स जो है वो खेलते हैं, जैसे माइंड गेम्स जो कहाँ पे खेलते हैं, चेस हो गया, तो ये जो चीज़ें जो है तब हम लोग यूज़ करते हैं। डिजीज में क्या है, डिजीज में बचपन में बहुत सारे बीमारियाँ, मेल न्यूट्रिशन हो गया, अनीमिया हो गया, और उसके बाद ये जो वेट लॉस वगैरह, और उसके बाद बहुत सारे जॉन्डिस, ये जो चीज़ें जो है बचपन में क्या है, ये कोल्ड कफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अलग डिजीज़ होता है, जैसे हाइपर टेंशन, लाइफ में बहुत सारा टेंशन लेना शुरू कर देता है, हाइपर टेंशन शुरू हो जाता है, उसके बाद डायबिटिस मेलेटस हो गया, जॉन्डिस हो गया, और उसके बाद बहुत सारे जो डिजीज है जो बड़े होने के बाद ये होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट। आई होप कि आज के जो दो क्लासेस जो है, दो टॉपिक्स जो है आपको समझ में आ गया हो। तो ये जो अडल्ट वर्सेस चाइल्ड जो है, ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट जो है ये अडल्ट वर्सेस चाइल्ड जो है उसमें डिवाइडेड किया गया। थैंक यू क्लास।